आज का हमारा टॉपिक है मोल. व्हाट इज मोल? आज हम बात करेंगे मोल क्या है. केमिस्ट्री में मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है मोल. ठीक है, मोल नहीं तो कुछ नहीं. ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपना मोल भी समझना चाहिए, कि आपको भी समझना चाहिए कि आपका क्या मोल है, लाइफ का क्या मोल है. ठीक है, तभी हम मोल कॉन्सेप्ट की बात कर पाएंगे. ठीक है, तो चलो आप समझते रहिएगा अपने मोल के बारे में. आज हम केमिस्ट्री के मोल के बारे में समझते हैं. ठीक है, तो केमिस्ट्री का मोल बेसिक टर्म से आपको पता था कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है. जैसा कि हम लोगों ने ध्यान दिया था कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, तो इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं. जैसे हमको पता है कि वन मोल ऑफ एटम इक्वल टू होता है ग्राम एटॉमिक मास के. ग्राम एटॉमिक मास, वन मोल ऑफ एटम इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास. तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम क्या हो जाएगा, मास ऑफ एटम इन ग्राम बाय ग्राम एटॉमिक मास. याद रखना है, एमयू में मत रख देना. एमयू में रखोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एमयू का जो मास होता है वो एक एटम का मास होता है. ठीक है, तो यहां पर हम मोल की बात कर रहे हैं. मोल निकालने के लिए ये जरूरी होना चाहिए कि जो भी मास हो वो ग्राम में एक्सप्रेस हो रहा हो. तो मास अगर ग्राम में गिवेन है, तो जो मोलर मास होगा या ग्राम एटॉमिक मास होगा, ये एटॉमिक मास नहीं होगा. अगर एटॉमिक मास होगा तो ये रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है ना, अभी हम बताएंगे, एक क्वेश्चन एग्जांपल करेंगे तो कैसे रॉन्ग होता है ये भी हम बताएंगे. पहले मोल के कुछ फार्मूले और भी नोट कर लो. इसी तरीके से जब हम बात करेंगे वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल, तो ये हो जाएगा ग्राम मोलर मास. ग्राम मोलर मास, अगर हम मोलर मास को ग्राम में एक्सप्रेस करें तो बन जाता है ग्राम मोलर मास. तो ये हो गया ग्राम मोलर मास. तो इसका मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हो गए, ऑफ मॉलिक्यूल, मोल के मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे, मॉलिक्यूल के मोल आएंगे मास ऑफ मॉलिक्यूल इन ग्राम बाय ग्राम मोलर मास. ठीक है, ग्राम एटम या ग्राम मोलर मास, इसको हम ग्राम एटम भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्राम एटम भी बोलते हैं. ठीक है, इसको हम ग्राम मोल भी बोलते हैं, ग्राम मॉलिक्यूल भी बोल देंगे. ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, अगर ग्राम एटम बोलता है, ग्राम एटॉमिक मास बोलता है, तो फिर वो एक ही चीज है. इसी तरीके से ग्राम मोलर मास बोले या ग्राम मॉलिक्यूल बोले, ये एक ही चीज है. ठीक है, ग्राम ऑफ एटम बोलेगा तो अलग चीज हो जाएगी, मतलब एटम का मास ग्राम में दे रहा है, लेकिन ग्राम एटम का मतलब ये हो गया कि इतना मास है उसका, ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल मास है. तो ये चीज भूलना मत एकदम. ठीक है, चलो तो अभी हम फिर इसके आगे बात करेंगे कि गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं. ठीक है, तो ध्यान देना, वन मोल ऑफ गैस, गैस एट एसटीपी और एनटीपी कितना वॉल्यूम कंटेन करती है, 22.4 लीटर और 22400 ml. ठीक है, तो बच्चों अगर वॉल्यूम, तो यहां से मोल्स कितने आ जाएंगे, मोल्स ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस एसटीपी पर और एनटीपी पर, अगर ये लीटर में है तो इसको हम 22.4 से डिवाइड कर लेंगे. ठीक है, अगर ये ml में होगा तो फिर हम किससे डिवाइड करेंगे बच्चों, 22400 ml से. ठीक है, तो आप इसको नोट कर ले, वीडियो को पॉज करें, इसको नोट कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग कुछ इस पे क्वेश्चन करते हैं. तो ठीक है, अभी तो हमने इसको डायरेक्ट कर रखा था कि 22.4 लीटर होता है, पर ये आता कैसे, ये मेजर्ड, एक्चुअली मेजर डिजिट है, बट हम इसको थ्योरेटिकली भी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो हम ध्यान देते हैं. ठीक है, हमारे पास हमको पता होता है कि आइडियल गैस इक्वेशन, जैसे करते हैं मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम, इसको हम क्या बोलते हैं, मोलर वॉल्यूम. तो हमको पता है आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी बच्चों, पीवी इक्वल टू एनआरटी, पीवी इक्वल टू एनआरटी. ठीक है, ये आइडियल गैस इक्वेशन थी. तो एट एसटीपी और एनटीपी टेम्परेचर जो होगा
वो 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन होता है, ठीक है। और जो प्रेशर होता है पी जो होता है वो 1 बार होता है, ठीक है। तो बस हम सिंपल से अप्लाई कर देंगे, वॉल्यूम हमको फाइंड करना है, वॉल्यूम एक तरफ कर लो, एन आर टी बाई वी कर लो। आर की वैल्यू भी हमें पता है 0.0821 होती है, ठीक है ना। आर की वैल्यू 0.0821 होती है, तो इसमें भी अप्लाई करेंगे फॉर 1 मोल ऑफ गैस, ठीक है। क्योंकि एन की 1 मोल ऑफ गैस का वॉल्यूम पूछा है, तो एन की वैल्यू 1 हो गई, तो एन इंटू 0.0821 टेम्परेचर 273 हो गया डिवाइड बाई 1। इसको आप सॉल्व करेंगे 22.4 लीटर आएगा, ठीक है। तो ध्यान दे लेना बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे एक चीज और होती है, एक चीज और क्या होती है, एस ए टी पी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एस ए टी पी क्या होता है, एस ए टी पी की हम बात करते हैं तो ये होता है स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री सेल्सियस मतलब 298 केल्विन, और प्रेशर इसमें 1/8 एटमॉस्फेरिक होता है। तो इसकी वैल्यू हम प्यूट कर लेंगे, सो वी इक्वल टू एन आर टी बाई पी, एन इक्वल टू 1 मोल, यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे 1 × 0.0821, और हम टेम्परेचर की जगह 298 रख देंगे, 1 × 0.0821 298/1। सॉल्व कर लेंगे इसको, इसके पूरा सॉल्व करने पे आएगा 24.46 लीटर, 46 लीटर। तो आप इसको नोट कर लें, वीडियो को पॉज कर लें, इसको नोट कर लें। तो ठीक है बच्चों, अब हम आगे बात करते हैं, व्हाट इज अवोगाड्रो नंबर। अवोगाड्रो नंबर क्या है, अवोगाड्रो नंबर ये अवोगाड्रो कांस्टेंट, इसको हम कहीं एन नॉट से इंडिकेट करते हैं जनरली, ठीक है। तुम देख लेते हैं कि व्हाट इज अवोगाड्रो नंबर है, अवोगाड्रो नंबर है क्या। अवोगाड्रो ने बोला था इनवर्स ऑफ एम यू, हम बोल सकते हैं इनवर्स ऑफ एम यू, एटॉमिक मास यूनिट, इनवर्स ऑफ एम यू। तो हमको पता है कि 1 mu में कितना होता है, 1.66 × 10^-24 ग्राम, इतना इसका मास होता है, 1 एटम का मास इतना होता है, ठीक है। तो इसका इन्वर्स कर लेंगे, इन्वर्स करेंगे तो क्या लिखेंगे, अवोगाड्रो नंबर। तो अवोगाड्रो अवोगाड्रो नंबर 1/amu, यानी कि 1/1.66 × 10^-24। तो -24 ऊपर गया तो ये हो गया +24 डिवाइड बाई 1.66 मतलब 10 × 10^24 डिवाइड बाई 1.66, ये आएगा 6.022 × 10^23 पार्टिकल। अब ये एटम के मोल है और यही 1 मोल के इक्वल होता है, ठीक है। इट इज 1 मोल, 6.022 × 10^23 पार्टिकल। तो यहां से एक और फार्मूला बन गया, एक फार्मूला और क्या बन गया, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल बाय अवोगाड्रो नंबर 6.022 × 10^23। तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय 6.022 × 10^23 हम करेंगे तो हमको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। अगर एटम है तो ये मोल्स एटम के आएंगे, अगर ये मॉलिक्यूल्स है तो ये मोल मॉलिक्यूल्स के आएंगे, अगर ये आयंस हैं तो ये नंबर ऑफ आयंस आएंगे। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी, तो चलो वीडियो को पॉज करो, इसको नोट करो। उस पे एक न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं, सीधा सीधा आपको दिख रहा है कि कितना मास दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, इसमें एटम पूछा हुआ है कि कॉपर पे कितने एटम है। तो सिंपल सी बात है, अगर हम कॉपर के मोल निकाल लें कि इतने ग्राम में कॉपर के कितने मोल होंगे, तो 1 मोल में अवोगाड्रो नंबर के इक्वल एटम होते हैं, इसका मतलब अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो ध्यान देते हैं, सबसे पहले इसको सोल्यूशन करने के लिए हम तो पहले बात करेंगे कि एटोमिक मास ऑफ कॉपर कितना होता है। तो एटोमिक मास ऑफ कॉपर
कितना होता है बच्चों, ध्यान से बताओ, एटॉमिक मास ऑफ कॉपर कितना होगा बच्चों, 63.5। अब क्योंकि ये ग्राम में है तो ग्राम एटॉमिक मास हमको चाहिए, या ग्राम एटॉमिक मास निकालने के लिए ग्राम में क्वांटिटी ले लेंगे, तो ये हो गया हमारा ग्राम में एटॉमिक मास, तो यानी कि ग्राम एटॉमिक मास, तो मोल्स ऑफ कॉपर निकाल लेंगे, मोल्स ऑफ कॉपर निकालेंगे बच्चों, तो कितना आएगा मास इसका, गिवेन मास कितना हुआ है 60.635, और उसका जो ग्राम एटॉमिक मास होता है 63.5, इसका मतलब कितना हो गया 0.01 मोल्स ऑफ कॉपर, मोल्स ऑफ कॉपर हमको मिल गए कॉपर के मोल। अब हमको पता है कि एक मोल में कितना होता है 6.022 × 10³, तो हम ये कह सकते हैं कि इतने मॉलिक्यूल्स में इतने मोल में कितने प्रेजेंट होंगे, तो हम निकाल देते हैं कि नंबर ऑफ एटम ऑफ कॉपर इंटू मोल इंटू अवगाद्रो नंबर, तो सिंपल सी बात करेंगे 0.01 × 10³ × 6.022 × 10³³, इसका मतलब 6.022 × 10³² कम कर दी 21 एटम। तो ठीक है, इसको भी आप अपनी कॉपी में, ठीक है बच्चों, तो ये दूसरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन में दिया क्या है 1.42 ग्राम ऑफ Na2SO4 प्रेजेंट, देन फाइंड नंबर ऑफ NaIn, नंबर ऑफ सल्फेट आयन एंड टोटल नंबर ऑफ एटम। ठीक है, तो सबसे पहले हम तो इसका फिर से वही प्रोसेस करेंगे, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसके मोल्स निकालेंगे। ठीक है, तो मोल्स निकालने के लिए हमको मोलर मास चाहिए, किसका मोलर मास चाहिए, Na2SO4 का, ठीक है ना, तो Na2SO4 का मोलर मास निकालेंगे, तो कितना होगा, सोडियम 23 होता है, 2 सोडियम एटम है, 32 होता है सल्फर का, 1 सल्फर एटम है, और 16 होता है ऑक्सीजन का, तो ये भी 4 है, तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 142। तो ध्यान दीजिएगा ये 142 आ गया। अब हम देखते हैं कि एक मोल मतलब इसके मोल्स कितने आएंगे, मोल्स ऑफ Na2SO4, तो गिवन मास, गिवन मास बच्चों कितना दिया हुआ है, ये दिया, ये गिवन मास दिया हुआ है, कितना दिया 142, तो 1.42 दिया, सॉरी, ठीक है, तो 1.42, इसका मोलर मास अभी ग्राम में मोलर मास निकाला है 142, तो ये आएगा 0.01। ठीक है, तो ये 0.01 आ गया। अब हमको क्या चाहिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ Na2SO4, सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ Na2SO4, तो Na2SO4 के मॉलिक्यूल्स 0 × क्या हो जाएगा 6.022 × 10³³, ठीक है 0.01, तो ये ओवरऑल सॉल्व करके आएगा 6.022 × 10³², ठीक है। तो अभी हमें किसके मॉलिक्यूल मिल रहे हैं, Na के। अभी हमको अब देखना क्या है कि ये क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो हमको नंबर ऑफ NaIn पूछा है, तो सबसे पहले हम इसको डिसोसिएट करें, तो जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो 2 NaIn मिलेंगे और 1 सल्फेट आयन मिलेंगे, मतलब इसका एक मोल ये दो मोल देता है और ये कितना देता है, एक आयन देता है, तो इतने मोल्स हमें कितने मिल जाएंगे, तो नंबर ऑफ NaIn कितने मिल जाएंगे, यहां से एक से कितना बन रहा है, ये दो बन रहा है, ठीक है, एक से कितना बन रहा है बच्चों, ध्यान देना, ये एक से दो बन रहा है, ठीक है, तो इतने से कितना बनेगा, यानी कि 2 × 6.022 × 10³², ठीक है। तो इसी तरीके से नंबर ऑफ सल्फेट आयन 1 बन रहा है, नंबर ऑफ SO4 2- आयन कितना हो गया 1 × 6.022 × 10³², ठीक है। अच्छा, आप टोटल नंबर की बात कर लें, टोटल नंबर ऑफ एटम, तो हमें मालूम है कि ईच मॉलिक्यूल्स में कितने एटम है, इसमें 2 सोडियम एटम हो रहे हैं, 1 सल्फर एटम हो रहा है, और ऑक्सीजन के कितने एटम हो रहे हैं, 4 एटम हो रहे हैं, तो बात समझ में आ रही है, इसका मतलब ईच मॉलिक्यूल में, ईच मॉलिक्यूल क्या कंटेन किए, मॉलिक्यूल ऑफ Na2SO4 कंटेन, कितना कंटेन किया बच्चों, देखो 2 ही हो गए, 3 और 4 कितने हो गए, 7 हो गए, टोटल 7 एटम, ठीक है, सो टोटल एटम, नंबर ऑफ एटम 7 × 6.022 × 10³², 21, तो ये आप सॉल्व कर लिए, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, हम नहीं करेंगे, अब तुम ही करो सॉल्व, बताओ कितना आ रहा है, ठीक है, हम वेट कर रहे हैं।
तो ठीक है, एक क्वेश्चन और है हमारे पास, इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करके देख लें। इसमें क्या दिया हुआ है, 11.2 लीटर गैस दिया, किस पे दिया, एनटीपी पे। तो हमको पता है कि 1 मोल एनटीपी पे ऑफ एनी गैस, एनी गैस, और यहां पर एनी गैस में क्या दिया हुआ है, SO2 दिया है। ठीक है, एट एसटीपी कितना हो जाएगा, 22.4 लीटर। तो मोल्स कितने हो जाएंगे, मोल्स ऑफ SO2 एट एसटीपी कितने हो जाएंगे, 11.2 डिवाइड बाय 22.4, इसका मतलब 0.5 मोल। तो 0.5 मोल आ गए। अब हमको इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल करने हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ SO2 इक्वल टू क्या होगा, मोल इंटू अवगाड्रो नंबर, अवगाड्रो नंबर, मोल इंटू अवगाड्रो नंबर। समझ में आ रहा है, इसको क्वेश्चन को अप्रोच करने का क्या तरीका था, लीटर में दिया हुआ था। हमको कोई भी क्वेश्चन को अप्रोच करना है तो उसके लिए अगर एटम निकालने हैं या मॉलिक्यूल निकालने हैं तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, मोल चाहिए। और अगर मोल मिल जाएगा तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मोल निकालने के लिए, अगर लीटर में वॉल्यूम दिया है एसटीपी पे, तो मोल निकालने का जो फॉर्मूला हमने आपको पहले लिखवाया था, 22.4 से डिवाइड करना है, डिवाइड कर लीजिए तो मोल आ जाएगा। और मोल आने के बाद इसमें होगा तो नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना है, 0.5 है, और ये 6.022 है, 10 की पावर 23 है। तो ये सॉल्व होके 3.011 10 की पावर 23 आ गया। ठीक है, अब इसी में नंबर ऑफ एटम पूछे तो आप इसमें नंबर ऑफ एटम भी बता सकते हैं। सल्फर का पूछेगा तो एक है, ऑक्सीजन का पूछेगा तो दो है, ओवरऑल हो गया तो 3 एटम हो गया। तो सल्फर के लिए 1 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऑक्सीजन के लिए उसमें 2 का कर लेंगे, टोटल एटम पूछता है तो उसमें हम 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलो ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर लो। तो ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन लिया है कि 200 ग्राम हमारे पास CO2 है, उसमें से 10 की पावर 21 एटम रिमूव कर ले रहे हैं। ठीक है, CO2 गए। ठीक है, तो ध्यान देते हैं, एटम एक्चुअली क्या है, मॉलिक्यूल होना चाहिए था। ठीक है, तो एटम रिमूव कर लेते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं देखते हैं। सबसे पहले इसके मोल निकाल लो। ठीक है, तो मोल्स ऑफ CO2, मास कितना दिया हुआ है, 200। ठीक है, मोलर मास 44 होता है CO2 का, फाइंड कर लेंगे आप। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 2 है। ठीक है, तो 2 × 16 + 12 तो फाइंड हो जाएगा। तो मोल्स ऑफ CO2 आ गए। ठीक है, मोल्स ऑफ एटम रिमूव, फिर हम निकाल लेंगे मोल्स ऑफ एटम रिमूव, तो कितने किए हैं, 21। ठीक है, और इसको हम डिवाइड करेंगे 6.022 × 10 की पावर 23 से। ठीक है, तो ये आपके क्या आ जाएंगे, मोल्स ऑफ एटम रिमूव। ठीक है, मोल्स ऑफ एटम रिमूव इतने आ गए। ठीक है, तो मोल्स ऑफ एटम लेफ्ट कितने आ जाएंगे, टोटल मोल माइनस रिमूव मोल, और कितने आ जाएंगे, टोटल मोल है 200 डिवाइड बाई 44 माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, 10 की पावर 21 डिवाइड बाय 6.022। ठीक है, तो इसको जरा सॉल्व करो। ठीक है, एक क्वेश्चन और है यहाँ पे हमारे पास, इस क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है, पीस ऑफ आयरन हैज द डायमेंशन 3 × 3 × 3 cm³, द डेंसिटी इज 2.2 ग्राम पर cm³, फाइंड द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें बहुत भी टिपिकल नहीं है। डायमेंशन देख के मत सोचना कि बहुत टिपिकल है, क्योंकि डायमेंशन दिया तो इसका वॉल्यूम तो निकल ही सकता है, हाइट है, वेथ है, लेंथ है, तो इसका वॉल्यूम निकल आएगा। वॉल्यूम निकल आएगा तो मास हम निकाल सकते हैं। मास कैसे निकलेगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी से। और एक बार अगर मास निकल आया तो ग्राम के मोल भी निकल आएंगे, और मोल निकल आए तो एटम निकल आएगा। ठीक है, तो हम ध्यान देखते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो हम वॉल्यूम ऑफ आयरन कितना हो गया, 3 × 3 × 3 27 cm³। ठीक है, अब डेंसिटी हमें कितनी दिया हुआ है, सिंपल यहाँ पे डेंसिटी दिया है, कितना दिया है, 2.2 ग्राम पर cm³। तो मास ऑफ आयरन पीस कितनी हो गई, मास ऑफ आयरन पीस हो जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो क्या आ गया यहाँ पे, 27 × 2.2, ये कितना हो गया, देखो सॉल्व करो ये कितना आ रहा है, निकल के सॉल्व होके आ रहा है 59.4। ठीक है, तो 59.4
ग्राम, तो मोल्स इसमें निकल आएंगे, मोल्स ऑफ आयरन, यानी कि मास में जो है कितना है 59.4 ग्राम है, और इसका एटॉमिक मास कितना होता है, एटॉमिक मास होता है 56, तो इसको सॉल्व करेंगे 1.06 मोल आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें निकालेंगे नंबर ऑफ आयरन एटम, नंबर ऑफ Fe एटम, तो क्या हो जाएगा, मोल इंटू होगा दो नंबर, मोल इंटू एन नॉट, यहाँ से सिंपल आप सॉल्व कर लेंगे 1.06 10 की इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23, तो ये सॉल्व होके कितने एटम आ जाएंगे, सॉल्व होके 6.38 आ जाएगा, तो इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, क्या आ गया 6.38 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, फिर आपसे आगे मुलाकात होगी। बाय।